अनिषेक फलन में फलों का विकास बिना निषेचन या परागण से प्राप्त उत्प्रेरक के बिना हो जाता है, जिसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन के प्रकार देखिए, टाइप प्रकार देखिए जी। अनिषेक फलन पे दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, वनस्पतिक अनिषेक फलन। इन फलों का विकास बिना परागण या बिना अन्य किसी बाष्प उद्दीपन के होता है, जैसे केला, पपीता, आड़ू आदि जगह। उद्दीपक अनिषेक फलन देखिए इस नंबर दो पे। इसमें फलों का विकास किसी उद्दीपन से प्रभावित होने के कारण हो, या उद्दीपन परागण, ऑक्सीजन, कम तापमान या किसी यांत्रिक क्षति द्वारा हो सकता है, जैसे हिमालय, ब्लैकबेरी, नाशपति, जेरूल, शलम, केरी आदि थी इत्यादि थी। नंबर थ्री पे बहुगुणता किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए बहुगुणता के उपयोग लिखिए। देखिए बहुगुणता एक बीज से एक से अधिक भ्रूणों की संख्या, भ्रूणों की उपस्थिति को बहुगुणता कहते हैं। ये बहुगुणतीय प्रजातियों और किस्मों के एक बीज को बोने से कई पौधे निकलते हैं, जिससे एक पौधा युग्मकी होता है, जिसे बीजांड कायिक होते हैं, जैसे जामुन, आम, नींबू, लोकाट आदि। ठीक, बहुगुणता के उपयोग निम्नलिखित हैं। बीजांड कायिक का पौधे अपने मातृवृक्ष के समरूप होते हैं, अतः बड़ी संख्या में समरूप पौधे प्राप्त करने के लिए कायिक प्रबंधन की बाध्यता नहीं होती है। नंबर दो पर देखिए, बीजांड कायिक पौधों में मशूला जड़ विन्यास गहराई तक जाता है, कलम या दब्बा नहीं द्वारा प्रवृत्तित पौधों को जड़ विन्यास उथला होता है। जड़ों की गहराई अधिक होने के कारण यह पौधे मौसम की प्रतिकूल अवस्थाओं के लिए अधिक सहनशील होते हैं। नंबर थ्री पर देखिए, बीज से अधिक पौधे तैयार करने से प्रया विषाणु के संक्रमण की संभावना नहीं रहती है। ठीक, अतः ये पौधे में वनस्पतिक प्रसारण से मिलने वाले लाभ मिल जाते हैं। ठीक, नींबू देखिए नंबर चार पे। नींबू वर्गीय फलों में लगातार कायिक प्रबंधन करते रहने से विषाणु के संक्रमण व अन्य कारणों से पौधों को ओझ घटने लगता है, जिससे फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। उन्हें बीज से प्रबंधन करने पर नवीनीकरण प्रक्रिया के द्वारा ओजस्वी पौधे मिलते हैं, जिनका उपयोग सांकुर डाली के रूप में किया जा सकता है। ठीक, नंबर चार पे देखिए, क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काट छाट को परिभाषित कीजिए। अतः काट छाट के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। काट छाट पौधों में की जाने वाली काट छाट, जिससे वनस्पति वृद्धि और उत्पादक वृद्धि में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, काट छाट कहलाता है। काट छाट के उद्देश्य देखिए, पुनरुत्पादन भागों को हटाना। नंबर दो पे रोगग्रस्त कीट प्रभावित एवं मृत भागों को हटाना। नंबर थ्री पे उलझी वे एक दूसरे से रगड़ती शाखाओं के मुक्ति मिल जाती है। नंबर चार पे देखिए, पौधों की वनस्पति वृद्धि में फसल फलत में सामंजस्य बैठाना। नंबर पाँच पे पौधे ओज को फलन क्षेत्र की ओर मोड़ना। नंबर छः पे फलत को नियंत्रित करना। नंबर सात पे अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त करना। नंबर अब जो काट छाट के सिद्धांत देखिए, रोगग्रस्त कमजोर व सूखी शाखाओं को अलग कर देते हैं, आपस में रगड़ती हुई शाखाओं को अलग कर देते हैं। नंबर तीन पे देखिए, अंता भूस्तरी को काट कर अलग कर देते हैं। नंबर चार पे देखिए, डालियों को नीचे की तरफ से काटते हैं, जिससे वे फटे नहीं। नंबर पाँच पे देखिए, छटाई पौधे की उस अवस्था में करनी चाहिए जब वे सक्रिय ना हो। नंबर पाँच पे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छटाई को प्रभावी परिभाषित कीजिए। छटाई के उद्देश्य को लिखिए। देखिए छटाई जब पौधों में काट छाट निश्चित आकार देने के लिए की जाती है, उसे छटाई कहते हैं। संदाई के उद्देश्य देखिए। ठीक, संदाई के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, वृक्षों को मजबूत ढांचा प्रदान करना, ताकि तेज गति की वायु से होने वाली टूट फूट से बचा जा सके। नंबर दो पे वृक्ष के छत्र के सभी भागों, विशेष रूप से केंद्र से पर्याप्त प्रकाश प्रवेश कराना, ताकि वह पर इच्छित फल भी अच्छी तरह विकसित हो सके। नंबर तीन पे देखिए, अधिकतम पत्तियों की
सतह को प्रकाश के लिए उपलब्ध कराना ताकि प्रकाश पत्तियों पर पूरी तरह से पड़ सके। नंबर चार पर वृक्षों की वृद्धि ऐसी करनी करना चाहिए जिससे उनके प्रबंधन में आसानी रहे और उत्पादन की विभिन्न क्रियाएं जैसे गुड़ाई, दवाओं का छिड़काव, फलों तुड़ाई आसानी से हो सके। नंबर पाँच पर देखिए शाखाओं के बीच का कोण बनाने के लिए। नंबर छः पर देखिए पौधों की संतुलित बढ़वार हो सके जिससे फलत सभी शाखाओं पर समान रूप से प्राप्त हो सके, मतलब कि फल प्राप्त हो सके हर शाखाओं पर प्राप्त हो सके। नंबर सात पर देखिए अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। नंबर आठ पर देखिए अधिक से अधिक वृक्ष से लाभ मिल लिया जा सके। नंबर नौ पर वृक्षों को अधिक फलत वाला बनाया जा सके। नंबर दस पर वृक्षों से अधिक समय तक उत्पादन लिया जा सके। नंबर छः पर देखिए क्वेश्चन है अफलन किसे कहते हैं, आम में अफलन हेतु उचित प्रबंधन का सुझाव कीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूर्ण फलवान नाम उस पौधों के लिए प्रयुक्त होता है जो ना केवल फूलता है और ना उसमें फल लगते हैं परंतु वह उन फलों का परिपक्व अवस्था तक ले जाता है। जो पौधे ऐसा करने में असमर्थ रहता है जिसे अफलन कहते हैं अथवा इस घटना को अफलन कहते हैं। अफलन आम में अफलन का प्रबंधन देखिए। नंबर एक है उचित पोषण। फल वृक्षों को उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण देना चाहिए। उद्यान में विभिन्न पोषक तत्वों की एक संतुलित मात्रा देनी चाहिए। आम के उद्यान में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान आदि का प्रयोग करने से अफलन कुछ हद तक कम किया जा सकता है। नंबर दो पे उचित एवं सही समय पर काट छाट। आम के पौधों में तुड़ाई के पश्चात अवांछित भागों को काट छाट कर हटा देना चाहिए, मतलब बेकार भागों को हटा देना चाहिए ताकि अगले साल अच्छी फल की प्राप्ति हो सके। नंबर छः पर देखिए नंबर तीन फलों उगान में मधुमक्खी पालन। देखिए परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले कीट पतंगों को परागण कहते हैं। फलों उगान में कीट पतंगों की संख्या में परागण सीधे प्रभावित होता है। प्रयोगों द्वारा ऐसा किया पाया गया है कि उगान में मधुमक्खियों की अधिकता होने से फलत बढ़ जाती है। नंबर चार पर देखिए सामयिक सिंचाइयाँ। देखिए फलों उगान में उचित समय पर सिंचाई प्रबंध करना चाहिए आवश्यक हो। फूल आते समय अधिक सिंचाई करना हानिकारक होता है, परिणाम स्वरूप फूल गिरने लगते हैं। फल वृद्धि के समय पर्याप्त नमी आवश्यकता होती है। आम में जल के लिए कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, उस समय सिंचाई न करने से फलत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नंबर पाँच पर देखिए नियंत्रकों का प्रयोग। देखिए आम में फल तो पर्याप्त संख्या में लगते हैं परंतु फलों का गिरना एक बड़ी समस्या है। फल गिरने की प्रक्रिया को अनेक प्रकार प्रभावित करते हैं, इनमें से भ्रूण का नष्ट होना, जलवायु को विपरीत दिशाएं, असंतुलित जल संबंध रोग, कीटों का आक्रमण आदि। आम के वृक्षों पर 20 ppm नेपथेलिन एसिड अथवा 2,4-D का छिड़काव लाभकारी पाया गया है। नंबर सेवन पर देखिए उर्वरकों के फलदार वृक्षों को महत्वपूर्ण माप बताइए। देखिए यह भी इम्पोर्टेंट है उर्वरकों का महत्व वृक्षों का माप। देखिए उर्वरकों का महत्व एवं वृक्षों के महत्व। देखिए उर्वरक का फलदार वृक्षों में महत्व निम्नलिखित है। उर्वरक में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो फल की वृद्धि वृक्षों की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंबर दो पे फलदार वृक्षों में फलों की तुड़ाई के उपरांत उन्हें शीघ्र ही अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है जिसकी पूर्ति उर्वरकों द्वारा की जा सकती है। नंबर तीन पे उर्वरक फल वृक्षों की मजबूती प्रदान करते हैं ताकि प्रतिकूल मौसम में भी क्षति न बचे जा सके। ठीक नंबर चार पे संतुलित उर्वरक फलदार वृक्षों में फलों की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। फलों के पौष्टिक महत्व का वर्णन कीजिए। फलों के पौष्टिक महत्व निम्नलिखित हैं भोजनात्मक महत्व। फल एक संरक्षित पदार्थ है जो मनुष्य के शरीर की रक्षा विभिन्न बीमारियों को
करता है। अधिक विटामिन की प्राप्ति फलों से, लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, जैसे आम विटामिन है, धनी है, काजू विटामिन बी धनी है, अमरूद विटामिन सी, अखरोट विटामिन डी, ये सभी विटामिन मनुष्य के वृद्धि के लिए, विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, अब देखिए उभयलिंगी पादप किसे कहते हैं। देखिए उभयलिंगी पादप उभयलिंगी पादप या टर्माफ्रोडाइट पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर मादा जननांग एक ही पुष्प में विद्यमान, अर्थात ये पादप ऐसे पुष्प धारण करते हैं जिनमें नर मादा दोनों ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, जिन्हें पूर्ण पुष्प भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए पपीता हो गया, कुछ कुकर बिट्स हो गए। ठीक, ये सब ये भी इम्पोर्टेंट है, उभयलिंगी पादप ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 9 पे देखिए फल उगान के लिए पौध रोपण की विभिन्न विधियों का वर्णन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बहुत पूछा गया है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। देखिए ये रोपण पद्धति, देखिए रोपण पद्धति का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक फल वृक्ष के लिए हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। निर्धारित क्षेत्र में अधिकतम वृक्ष समायोजित हो सके। फल उगाने के लिए कृषि कार्यों को आसानी से प्रमुख रोपण पद्धतियां निम्नलिखित हैं। देखिए वर्गाकार पद्धति, आधार रेखा बनाने के लिए क्षेत्र को वर्गों से विभाजित कर दिया जाता है, इस प्रकार जो वर्ग बनता है उसके चारों सिरों पर पौधे लगाए जाते हैं। यह विधि बहुत ही आसान है इस मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में पौधों का रेखांकित वायु वृद्धि की कतार से 6 मीटर स्थान छोड़कर किया जाता है। पौधों की प्रथम पंक्ति से पौधों की आधी दूरी पर बनाई जाती है, उसके बाद पंक्तियां लंबवत बनाई जाती हैं। इस विधि द्वारा पौधों लगाने के लिए कतार में पौधे से पौधे दूरी पर निशान लगाकर रेखाएं खींच दी जाती हैं। जिस स्थान पर खड़ी और पड़ी रेखाएं एक दूसरे से काटती हैं उसी स्थान पर पौधे को लगाया जाता है। इस प्रकार इस विधि में पौधों से पौधों की दूरी कतार से कतार की दूरी है। चार वृक्ष मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस विधि में बगीचा अधिक घना नहीं होता है। प्रत्येक पौधों के विकास के लिए सामान्य स्थान मिलता है जिससे सिंचाई निराई गुड़ाई आदि कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकते हैं। ठीक, नंबर 2 पर देखिए आयताकार पद्धति। ठीक, यह विधि वर्गाकार विधि के समान रही है। इस विधि में पौधे से पौधों की दूरी कतार से दूरी से कम होती है। 2 आमने सामने की पंक्तियां को 4 वृक्ष मिलकर एक आयत बनाते हैं, इस आयताकार विधि कहते हैं, इसे आयताकार विधि कहते हैं। देखिए इसमें चित्र में देखिए जैसा कि आपको लोगों को दिखाया गया है। इसी विधि द्वारा पौधे लगाने पर बच्चों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। कर्षण क्रिया बाग की लंबाई की ओर से आसानी से किया जा सकता है। उपरोक्त तो दोनों ही सबसे अधिक फेमस ये पद्धति हैं। ठीक, नंबर 3 पर देखिए पूरक पद्धति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी विधि को रेखांकन वर्गाकार विधि की तरह से ही होता है। प्रति 4 पौधों के केंद्र में एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। इस विधि में प्रति इकाई वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग दुगुना पौधे उगाए जाते हैं। केंद्र में लगाए जाने वाला पौधे अस्थाई होता है, जैसे आम बेलीची बगीचे में पपीता फालसा प्लम आलू बुखारा अनानास आदि को पूरक पौधे के रूप में लगाया जाता है। पूरक पौधे से शीघ्र उत्पादन मिलने लगता है। जब मुख्य पौधे बड़े हो जाते हैं तब पूरक पौधे बाग से काट कर अलग कर देना चाहिए। कभी कभी यह बीज वाला पौधे की उसी जाति का होता है जिसका उद्यान लगाया जाता है, जिससे पौधों की आपस की दूरी कम होने से उद्यान बना घना हो जाता है। ठीक,
त्रिभुजाकार पद्धति यह भी इम्पोर्टेंट है, यह विधि वर्गाकार विधि के समान ही होती है। इसमें दूसरी कतार के पौधे पहली पंक्ति के मध्य में लगाए जाते हैं, इस क्रम में तीसरी पंक्ति के पौधे दूसरी पंक्ति के पौधों के मध्य लगाए जाते हैं, इसी क्रम को आगे की पंक्तियों तक बढ़ाया जाता है। इनमें तीन वृक्ष मिलकर एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इस विधि का कोई विशेष लाभ नहीं होता, इस विधि में जुताई करने में कठिनाई आती है। ये देखिए चित्र में। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जल्दी। ओके बाय।